ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम, यूपी तक .in को बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2022 में लय नहीं पकड़ पा रही है। रविवार को हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उसे 6 रनों से हरा दिया। ये दिल्ली की 9 मैचों में 5वीं हार है। दिल्ली के सामने था 196 रनों का लक्ष्य, जिसे वो टीम हासिल नहीं कर पाई और 20 ओवर में 189 रन ही बना पाई। कप्तान ऋषभ पंत ने 44 रन बनाकर टॉप स्कोर किया, जबकि मिचेल मार्श ने 37 रनों की पारी खेली। इस स्कोर का पीछा करते हुए एक ऐसी घटना घटी जिसे देखने के बाद से दिल्ली के फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो गए। ये जो घटना थी, ये जो कुछ हुआ, वो दिल्ली पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा। दरअसल मिचेल मार्श को नॉट आउट होने के बावजूद आउट करार दिया गया। जी हाँ, एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स और ख़राब डिसीजंस अंपायर के चलते एक बार फिर से देखने को मिला। खिलाड़ी बिना रिव्यू इस्तेमाल किए ही पवेलियन लौट गया। यहाँ पर आप सिर्फ अंपायर को नहीं कह सकते, यहाँ पर जो खिलाड़ी है उस पर भी सवालिया निशान है। गेंद मिचेल मार्श के बल्ले के करीब से निकली थी और क्विंटन डिकॉक ने कैच के साथ जोरदार अपील की। अंपायर ने मार्श को आउट दे दिया और बल्लेबाज पवेलियन की ओर निकल पड़ा। जब रिप्ले में देखा गया तो पाया कि गेंद बैट पर लगी ही नहीं थी, जो अल्ट्रा एच होता है उसमें दिखाया स्टार स्पोर्ट्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने, कि कुछ लगा ही नहीं है, निक ही नहीं हुआ है। अगर मार्श वहां पर रिव्यू लेते तो वो बच जाते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 37 रन बनाकर एक बहुत ही अहम मोड़ पर वो अपना विकेट दे बैठे। ऐसे में जो हेड कोच है विकी पॉन्टिंग दिल्ली के, वो वीडियो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा निराश नजर आए। सवाल ये उठता है कि आखिर मार्श ने DRS की मदद क्यों नहीं ली, क्योंकि इससे मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। मार्श ने 20 गेंदों में 37 रनों की शानदार पारी खेली। 185 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए पंत ने 3 चौके और इतने ही छक्के लगाए। मार्श ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर 60 रनों की अहम साझेदारी निभाई। जिस समय मार्श बल्लेबाजी करने आए थे, दिल्ली का स्कोर महज 5 रन था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि मार्श मैच को अंत तक लेकर जाएंगे और 196 रनों के बड़े लक्ष्य को भेदने में अहम भूमिका निभाएंगे। खैर, लखनऊ के लिए मोहसिन खान ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। मोहसिन ने वार्नर, पंत, पावल और शार्दुल ठाकुर को आउट किया। उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर ही टीम को जीत मिली। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कप्तान KL राहुल ने सबसे ज्यादा 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले। राहुल के अलावा दीपक हुड्डा ने 52 रनों की पारी खेली। दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा विकेट शार्दुल ठाकुर ने लिए, उन्होंने 3 विकेट लिए।